बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज सी बी अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर स्केल ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 5। द यूनिट इज 13। द टाइटल ऑफ यूनिट 13 इज एंगल्स। एंगल्स में जॉर्ज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है अगर हम किसी एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं? तो कह रहा है वी नो दैट, हमें पता है रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जो एक रे होती है वो एक लाइन का हिस्सा होती है। हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। बट नो एंडिंग पॉइंट, लेकिन उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। रे गोज ऑन फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, कहता है ये जो रे है ये फॉर एवर चलती रहेगी और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। अब वो कह रहा है अगर आप रे को लिखना चाह रहे हैं तो रीड को हम कैसे रे को कैसे लिखेंगे? के जे जो फिक्स पॉइंट है वो हम पहले लिखेंगे और अगर जे और फिर हम लिखेंगे के जे और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे कि ये कंटिन्यू है और रीड द एंड पॉइंट फर्स्ट। वो कह रहा है कि एंड पॉइंट अपने फर्स्ट पढ़ना है जैसा कि हमने भी पढ़ा है। अब वो कह रहे हैं एन एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। वो कहता है जो एंगल होता है ना वो टू रेज का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ एक रे सी है, ई सी है और यहाँ एक रे ई बी है विद अ कॉमन एंड पॉइंट। देखें इनका एंड पॉइंट कौन सा कॉमन है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। रे फॉर्म द साइड ऑफ द एंगल, ठीक है, साइड ऑफ द एंगल। तो वो कहता है रे जो होते हैं वो साइड्स के एंगल भी बना देती हैं। साइड्स के एंगल कौन सा बना रहती हैं? देखें ई सी के साथ भी बना रही है और ई बी के साथ भी एंगल बना रहा है। वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है जो कॉमन पॉइंट है इनका, वो कौन सा है? ई है। यहाँ देखें द कॉमन एंड पॉइंट, वो जो कॉमन एंड पॉइंट है इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये एंगल का क्या होता है? वर्टेक्स होता है जो कॉमन एंड पॉइंट होता है। अब ये देखें वो कहते हैं वो विल रीड इट एंगल ई, हम इसको एंगल ई के तौर पे पढ़ेंगे, एंगल ई सी बी, सी ई बी, सी ई भी पढ़ेंगे और हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं एंगल बी ई सी भी पढ़ सकते हैं। वी कैन राइट इट एज, हम इसको एंगल ई के तौर पे भी लिख सकते हैं, एंगल सी ई बी के तौर पे भी लिख सकते हैं और एंगल बी ई सी के तौर पे भी लिख सकते हैं। वो कह रहा है व्हेन यू एक्सप्रेस एन एंगल विद द थ्री लेटर्स, कहते हैं जब आप एंगल को थ्री लेटर्स में लिखते हैं द वर्टेक्स इज ऑलवेज द मिडल लेटर, तो वो जो वर्टेक्स होगा हमेशा मिडल लेटर ही होना चाहिए। पॉइंट जी इन द इंटीरियर ऑफ सी ई बी, वो कहते हैं सी बी में जो जी पॉइंट है, पॉइंट एक्स एंड वाई आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द ई सी बी। वो कह रहा है जो एक्स और वाई जो हैं वो क्या हैं? आर द एक्सटीरियर ऑफ ए सी ई बी, ये इसके बाहर वाले हिस्से हैं और जो एंगल जी है वो इसका सी ई बी का इंटीरियर वाला हिस्सा है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में हमें वो कह रहा है कि ड्रा एंड लेवल ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है हमें ड्रा भी करें लेवल भी करके दें ये जो सारे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, उसका पार्ट वन, एंगल डी ई एफ। सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज को ये एंगल इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया डी, वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आएगा और ये एफ, डी ई एफ। तो देखें हमने क्या किया, हमने इसको ड्रा भी कर दिया और लेबल भी कर दिया। अब ये दो रेज के मिलने से बनता है तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे और ई इसका ये क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा जहाँ इनके दोनों एंड पॉइंट मिल रहे हैं। अगला एफ ई डी, एफ ई डी ये कर दें तो देखें ये क्या आ जाएगा, एंगल एफ ई डी और ये इसी के इधर एंगल भी शो हो जाएगा और इधर भी एंगल शो हो जाएगा। रे ई एफ, रे को कैसे करते हैं ई एफ? ये देखें ये स्ट्रेट रे जा रही है, फिक्स पॉइंट इसका पीछे है और ये है तो ये क्या होगा, ये ई एफ है। तो देखिए हमने कहा था हम सबसे पहले इसका क्या बोलेंगे, रीड द एंड पॉइंट। इधर देखिए इसमें इसका एंड पॉइंट क्या था, के था तो हमने लिखा के जे। इसका एंड पॉइंट क्या है, ई है तो एंड पॉइंट ई है तो हम क्या लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे, इसी से चल जा रहे हैं, ठीक है। ये देखेंगे के जे लिखा हुआ था, के इसका एंड पॉइंट था तो हमने के पहले लिखा, इधर ई पहले था तो हमने ई इसका एंड पॉइंट रखा। ई डी ये ई और ये डी, इसको लिखा रे ई एफ एंगल एच। एंगल एच को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि देखें लेट्स सपोज हमारे पास कोई एंगल है जी एच आई, तो इसमें ये जो है एंगल ये क्या होगा, एंगल एच शोर है ये वाला, ये क्या है एंगल एच।
इसमें एंगल एच इसी के से शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है नेम ईच फिगर, कहता है फिगर का नाम बताएं आप। अच्छा इसको क्या नाम देंगे, ये रे है तो हम इसको क्या लिखेंगे बी ए, और रे को डिनोट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। दूसरा वाला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको सी डी ई भी लिख सकते हैं एंगल, या हम इसको ए सी डी भी लिख सकते हैं ए डी सी, या हम इसको एंगल डी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम तीसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। लास्ट मूव करते हैं। वगैरह नेम इज एंगल इन द टू वेज, टू वेज के अंदर हमने इसको लिख के दिखाना है। तो देखें इसको जिस तरीके से हमने ऊपर किया था, ऊपर वाले में सिर्फ एक रिक्वायर्ड था लेकिन मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया, लेकिन इसमें दो मांग रहा तो आपने दोनों तरीके से बताने। तो कौन कौन से एंगल इसके बन सकते हैं, एक इसका एंगल बन सकता है आई जे के, और इसका एंगल एक और बन सकता है के जे आई, और इसका जो लास्ट एक और एंगल बन सकता है वो क्या है एंगल जे। मैंने आपको भी इस तरीके से बताया था लेकिन ऊपर वाले में हमें सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर ये ऊपर वाला होगा ये सी डी ई होगा, तो सिंपल आपने सी डी ई लिख देना, एक एंगल को ही लिख देना है। वो तीनों बताया कि इन तीनों में से आप उसमें ये इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले उसमें ये दो की रिक्वायरमेंट लाजमी है, तो इसलिए मैंने इस दो लाजमी लिखे। इसी तरीके से हम इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।